खबर देश की राजधानी दिल्ली से, जहां अरविंद केजरीवाल हमारी पार्टी के संयोजक ने वृद्धावस्था पेंशन को लेकर एक ऐलान किया है और इसमें 80,000 और जो पेंशनधारियों को जोड़ा गया है और अब ये संख्या जो है बढ़कर 5,30,000 हो जाएगी। जब मैं जेल गया बाकी तो चलो इन्होंने जो काम रोके रोके, लेकिन बुजुर्गों की पेंशन रोकना तो पाप है। एक बूढ़ा आदमी उसको महीने में 2,000-2,500 रुपए मुश्किल से आते हैं और वो उसका बड़ी बेसब्री से इंतजार करता है, उसके पैसे अगर आप रोक लो तो कई महीने तक, जब मैं जेल में था तो कई महीने तक उन्होंने बुजुर्गों की पेंशन रोक दी, मुझे बहुत तकलीफ हुई। और बाहर आने के बाद सबसे पहले उनकी रुकी हुई पेंशन चालू कराई और नई पेंशन अब हम लोगों ने लगवाई है। ये सब वो बुजुर्ग हैं जिनके आशीर्वाद से मैं बाहर आया हूँ और मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया, मैं कोई एहसान नहीं कर रहा, मैं इनका एक तरह से शुक्रिया अदा कर रहा हूँ ये पेंशन उनको लगवा के।